गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने कहा कि जनपद में टेराकोटा की काफी प्रसिद्धि है, दीपावली में दिया का काफी डिमांड आता है। जिलाधिकारी ने कहा कि टेराकोटा के बाजार को विकसित करने के लिए दीपावली में लगने वाले अस्थायी पटाखा की दुकानों के साथ टेराकोटा की दुकानें लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके अलावा चिड़ियाघर व नए बस स्टेशन पर भी टेराकोटा की दुकानें खोली जाएंगी, जिससे इसके बाजार में बढ़ोतरी हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने कहा, टेराकोटा आप जानते हैं यहाँ काफी प्रसिद्धि है और यहाँ का जो दिया का डिमांड इतने आ जाता है, यहाँ का सप्लाई दे नहीं पाते हैं। खासतौर पर दिवाली के समय में उतने डिमांड आता है, वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इस बार इन लोग का आउटलेट ज़्यादा दे रहे हैं, खासतौर पर जो पटाखा दुकान का कहाँ कहाँ टेम्प्रोरी लाइसेंस देते हैं उसका एक दो दुकान इन्हीं लोग भी आरक्षित करा रहे हैं और जगह जगह कहाँ इन लोग का मार्केटिंग का सहयोग चाहिए। वैसे अभी जो नया जू बनी हुई है आप जानते हैं, उसको लोकार्पण जल्दी होने वाले हैं और नया बस स्टेशन है और नया कहाँ कहाँ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सरकार की तौर से खुले जा रहा है, वो हर जगह एक एक दुकान दो दो दुकान हम आरक्षित करा लेंगे इन लोग के लिए, ताकि इन लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ गए और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल भी उन्हें दिखाएं। और जो कितने जुड़े हुए परिवार है जो टेराकोटा से, वो तो सभी लोग का दिवाली एक अच्छा अवसर है, उसी का हम लोग पूरा फायदा उनको पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे और उन लोग को जो भी मदद चाहिए वो हमारा सरकार तौर से वो दी जाएगी।